तो हेलो गाइस, आज हम वापस से खेलने वाले अपनी माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज। आज हमको बनाना है अपने डायमंड आर्मर को एन्चेंटेड आर्मर। तो गाइस, उसके लिए मेरे को चाहिएगा एक एन्चेंट रूम। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मेरे को चाहिएंगे लेदर और पेपर। पेपर तो मेरे को मेरे शुगर केन फार्म से मिल गए हैं। बाकी लेदर देखता हूँ मैं चेस्ट में आके कितने लेदर है मेरे पास। तो गाइस, मेरे पास 21 लेदर है और थोड़े से पेजेस हैं, एक दो स्टैक। इन पेज और लेदर को लेते हैं, उनसे बुक बना के देखते हैं कितनी बुक बनती है। किसी बनेगी वैसे तो पेपर को लगाते हैं ऐसे, देखते हैं बुक बना के। तो गाइस, 21 बुक तो बन गई है। आप जाते हैं ऑब्सीडियन लेने, क्योंकि इंचेंटेबल बनाने के लिए ऑब्सीडियन की जरूरत रहेगी। तो चलते हैं केव में और ऑब्सीडियन माइन करके आते हैं। ये पीछे वाले केव में आ गया हूँ, नीचे आके देखता हूँ कहीं ऑब्सीडियन मिलते तो उनको लेके आते हैं। तो गाइस, मेरे को नीचे इस जगह पे ऑब्सीडियन मिल गए हैं। अब इनको माइन करते हैं और वापिस चलते हैं ऊपर और एक इंचेंट टेबल बनाते हैं। तो गाइस, ऑब्सीडियन तो ले लिया, आप चलते हैं ऊपर। तो गाइस, मैं ऊपर तो आ गया हूँ। अब बनाते हैं अपने एन्चेंट टेबल। दो डायमंड चाहिए रहेंगे, थोड़े से ऑब्सीडियन और एक बुक। पहले डायमंड को ऐसे रखना है, फिर ऑब्सीडियन, चार ऑब्सीडियन ऐसे रखना है और ऊपर एक बुक रखनी है। तो गाइस, अपनी एन्चेंट टेबल तो बन गई है। इसके लिए अपन को अब बुक शेल्फ बनाने हैं। तो गाइस, अब मैं जाता हूँ लेदर लेने। एन्चेंट टेबल को इस साइड लगा देता हूँ पहले। अब चलते हैं लेदर लेने। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ। अब अपन बुक बनाते हैं इन पेपर और लेदर से, उनसे बुक शेल्फ बना के देखते हैं। अपन को पूरे 15 बुक शेल्फ चाहिए रहेंगे। बना के देखते हैं बुक शेल्फ, देखते हैं कितने बनते हैं। अभी वुड कैसे लगाना है, बाकी बुक लगानी है। तो गाइस, अभी तो 9 ही बने हैं, अभी तो मेरे को 6 और चाहिए। तो आप वापिस लेदर लेने आना पड़ेगा। इनको कुछ ऐसे लगा देते हैं अभी, फिर चलते हैं लेदर लेने। तो गाइस, मैं और लेदर लेके आ चुका हूँ। अब और बुक शेल्फ बनाते हैं और फिर लगाते हैं। पहले मेरे को बुक बनानी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा पेपर ले लेता हूँ ऐसे। ऐसे बुक बनाते हैं लेदर। 21 बुक तो बन गई है, इनसे बुक शेल्फ बनाते हैं। बुक को बीच में रखो, ऊपर नीचे वुड। तो गाइस, 8 और बन गया है, इनको आप लगाते हैं। उसके बाद अपना आर्मर एन्चेंट करेंगे, एक्सपी कलेक्ट करके। अपने एक्सपी फार्म तो मैंने पिछली वीडियो में बनाई दिया था, वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना। अब चलते हैं एफके पॉइंट पे और एक्सपी कलेक्ट करते हैं और अपने आर्मर को एन्चेंट करते हैं। तो गाइस, मैं एफके भी कर रहा था, फिर नीचे के एक्सपी भी कलेक्ट कर रहा था, और साथ में ही मैं अपने शुगर केन को भी बार बार हटा हटा के लगा रहा था कि इनका काम भी होते रहे। फिर मैं वापस एफके पे गया, फिर मैंने बीएसएल ग्राफिक्स भी ला के देखे अपने वर्ल्ड में, और फिर मैंने एक्सपी भी कलेक्ट करी। फिर उसके बाद मेरी 30 एक्सपी हो गई। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी चेस्ट प्लेट करी, उसमें मेरे को अच्छी अच्छी इंचांट मिली, प्रोटेक्शन 4, अनब्रेकिंग 3। उसके बाद मैंने टॉर्चे लगाई कि ज़ॉम्बी ज़्यादा स्पॉन होए। फिर मैंने लेगिंग को अपग्रेड करा, उसमें मेरे को अनब्रेकिंग 3 के साथ प्रोटेक्शन 3 भी मिल गई थी। उसके बाद मैं चले गया माइनिंग करने। माइनिंग से भी बहुत सारी एक्सपी मिलती है। मैंने कोल और आयरन बहुत सारा माइन करा और थोड़ा सा लेपिस भी माइन कर लिया। मेरे को एक बड़ी सी केव मिल गई थी, वहाँ पर मैंने टॉर्च लगाई और सारा का सारा लेपिस ले लिया। फिर वापस चले गया एफ के पॉइंट पे। उसके बाद मैंने हेलमेट करा, उसमें मेरे को अनब्रेकिंग 3 और प्रोटेक्शन 3 मिली। फिर मैंने वापस एक्सपी कलेक्ट करी। मेरी वापिस से 30 एक्सपी होने के बाद मैंने लास्ट में अपने बूट एन्चेंट करे।
30 XP हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने लास्ट में अपने बूट इंचांट करे, बूट में मेरे को अनब्रेकिंग 3 के साथ प्रोटेक्शन 3 मिल गई। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गुड बाय।